हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, मैं आपका अपना दोस्त अंकुश आपका एक बार फिर स्वागत करता है आपके अपने चैनल JKSSV ऑनलाइन ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम करेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक साइलोगिज्म। फ्रेंड्स, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये 5 नंबर का आएगा, 5 क्वेश्चन आएंगे इसके, फर्स्ट 2 क्वेश्चन आएंगे इसके सिंपल टाइप से, एक आएगा इसका आइदर केस और 2 आएंगे इसके पॉसिबिलिटी केस में। तो चलिए फ्रेंड्स, चलते हैं साइलोगिज्म पे। फ्रेंड्स, इसकी 4 टाइप है। टाइप फर्स्ट है ए टाइप, सेकंड है आई टाइप, थर्ड है ई और लास्ट है ओ। फ्रेंड्स, ए टाइप में होगा ऑल ए आर बी, ऑल वाले सभी रिलेशन। तो फ्रेंड्स, मान लो ये हमारा ए है, तो ऑल ए आर बी यानी कि पूरा का पूरा ए बी है। सारा ए बी के अंदर आ जाएगा, यही बनेगा ऑल ए आर बी। सेम फ्रेंड्स, नेक्स्ट बोला है सम ए आर बी, कुछ ए बी है। तो फ्रेंड्स, कुछ ए बी है यानी कि कुछ ए बी है अगर, तो बाकी वाले ए बी है या नहीं है हम उसे नहीं बता सकते। तो लेकिन उसने बोला सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी है। वो कुछ ए कौन से हैं फ्रेंड्स? जे वाले। नेक्स्ट लिखा है नो ए इज बी, कि ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है, यानी कि ए और बी के बीच कोई रिलेशन नहीं है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। कुछ ए यानी कि ये ए है, ए का कुछ पार्ट मान लो ये है वो, सम ए ये बन गया आपका सम ए, सम ए आर नॉट बी। फ्रेंड्स, इतना सा पार्ट ए का बी नहीं है, लेकिन बाकी बचा हुआ पार्ट बी है या नहीं है उसके बारे में हमें नहीं पता। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा मतलब स्टेटमेंट आ गई तो इसके डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन बनेंगे, जो सही बनेंगे सिर्फ 3 बनेंगे। या तो वो कंक्लूजन में आपसे पूछ ले आर ए आर बी, यानी कि सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन पूछ ले तो राइट होगा। सम ए आर बी, कुछ ए बी है। फ्रेंड्स, अगर पूरा का पूरा ए बी है तो कुछ भी होगा, सम बी आर ए, कुछ भी ए भी है। सेम फ्रेंड्स, जो ए के अंदर है बी या बी के अंदर है ए, वो आपस में दोनों सेम है। सम ए आर बी, सम ए आर बी यानी कि कुछ ए बी है, तो इसके डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन बनेंगे सम ए आर बी सेम या सम बी आर ए। थर्ड है नो ए इज बी, ए और बी का आपस में कोई रिलेशन नहीं है। तो फ्रेंड्स, डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन में सम नो ए इज बी का बनेगा, नो ए इज बी। अगर ए का बी से कोई रिलेशन नहीं है तो सेम फ्रेंड बी का भी नहीं होगा, ऐसे सेम लिखा है। फिर लिखा है सम ए आर नॉट बी, अगर पूरी की पूरी ए बी नहीं है तो फ्रेंड्स थोड़ी भी नहीं होगी, यही लिखा है सम ए आर नॉट बी। तो सेम, अगर पूरी की पूरी बी भी ए नहीं है तो थोड़ी भी नहीं होगी, यानी कि सम बी आर नॉट ए। नेक्स्ट है सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसकी डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन सिर्फ यही बनेगी सम ए आर नॉट बी, बाकी सारी फॉल्स। तो ये थी फ्रेंड्स इसकी डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन, इनकी इनके सिवा कुछ भी आएगा उसको आपने सीधा सीधा फॉल्स कर देना है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको स्टेटमेंट में किसी पर्सन का नाम ईच एवरी एनी या ओनली लगा दिख गया तो आपने सीधा सीधा इनको ऑल में बदल देना है, यानी कि ए टाइप में। ए टाइप यानी कि जैसे आपको आ गया ईच ए इज बी, तो आपने इसे बदल देना है ऑल इज बी में। फ्रेंड्स, ओनली ही है एक ऐसा कंसेप्ट जिसे हमने, अगर आपको जैसे ओनली ए इज बी स्टेटमेंट में दिया होगा तो आपने ओनली को ए में बदलना है, लेकिन पर्सन दोनों चेंज कर देने हैं, इंटरचेंज कर देने हैं, यानी कि ओनली ए इज बी होगा तो आपने ओनली को लिखना है ए और बी इज ए, बी इज ए में बदल जाएगा। फ्रेंड्स, ओनली ही है एक ऐसा कंसेप्ट जो थोड़ा अलग है। तो नेक्स्ट देखिए, मोस्ट सम, अगर आपको स्टेटमेंट में मोस्ट सम फ्यू एटलीस्ट एट मोस्ट
मोस्टली मैक्सिमम मिनिमम मैनी ए फ्यू अ लिटल जनरली या फिर 0.1% से लेकर 99.9% तक मिल गया तो ये आपकी होगी सम वाली टाइप, यानी कि सम एज बी वाली जिसे हम आई टाइप बोलते हैं। नेक्स्ट है नो ऑल नॉट नन नो वन लगा दिख गया स्टेटमेंट में तो फ्रेंड्स ये होगी हमारी नो वाली टाइप, यानी कि अगर आपको दिखा ऑल ए इज नॉट बी तो उसे हम सीधा लिखेंगे नो ए इज बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हार्डली रेयरली सम नॉट सेल्डम लगा दिख गया तो ये आपकी सम नॉट टाइप होगी जिसे हम बोलते हैं ओ टाइप। नेक्स्ट है फ्रेंड्स पॉसिबिलिटी में अगर मे माइट कैन पॉसिबल कैन नॉट मिला दिख गया तो फ्रेंड्स ये आपका पॉसिबिलिटी केस होगा। नेक्स्ट है अगर आपको पॉसिबिलिटी की स्टेटमेंट में नेवर कैन नेवर या नथिंग लगा हुआ दिखा तो फ्रेंड्स हम इन्हें सीधा सीधा नो में बदल देंगे तो ये होगी हमारी ई टाइप नो वाली टाइप। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं एक्सरसाइज पे। फ्रेंड्स स्टेटमेंट आपको दी गई है ऑल ए इज बी, सारी की सारी ए बी है। नेक्स्ट है ऑल बी इज सी, सेम सारी बी सी है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम डायग्राम बनाएंगे ऑल ए इज बी। मान लो ये ए है, उसने बोला है कि सारी ए बी है, इसका मतलब ए बी के अंदर आ जाएगी, यानी कि ऑल ए आर बी। नेक्स्ट है ऑल बी आर सी, तो यानी कि ऑल बी आर सी। तो फ्रेंड्स जहां से ऑल बी आर सी से आपका ऑल ए इज सी भी खुद ब खुद बन रहा है। अगर ऑल ए इज बी है, पूरी ए बी के अंदर है और पूरी बी सी के अंदर है तो डेफिनेटली सारी ए ए बी सी के अंदर होगी। अब फ्रेंड्स कंक्लूजन पूछा है ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, ऑल ए इज बी, सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन, तो बिल्कुल राइट होगा। ऑल सी इज बी, सारी सी बी है। फ्रेंड्स सारी बी सी है बट सारी सी बी नहीं है, जे वाला पोर्शन सी का बी में नहीं है तो ये होगा फॉल्स। नेक्स्ट है ऑल ए इज सी, ऑल ए इज सी। फ्रेंड्स अगर ऑल ए इज बी है और ऑल बी इज सी है तो डेफिनेटली ऑल ए इज सी भी जरूर होगा, तो ये होगा आपका राइट। नेक्स्ट है सम ए इज बी, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। फ्रेंड्स जहां पे सारी की सारी ए बी है, अगर ऑल है तो सम भी होगी, यानी कि ट्रू। नेक्स्ट है सम सी इज बी, कुछ सी बी है, तो फ्रेंड्स ये भी ट्रू है क्योंकि ऑल बी इज सी, अगर पूरी बी सी है तो सी का भी कुछ पार्ट ऐसा होगा जो बी में है, तो ये भी राइट हुआ। नेक्स्ट है सम इज सी, सम इज सी, अगर पूरी ए सी में है तो कुछ भी होगी, थोड़ी भी होगी, यानी कि सम इज सी भी राइट है। अब है नो ए इज बी, फ्रेंड्स नो होगा तो हमारी डायग्राम कुछ इस तरह से बनेगी, ये ए होगा ये बी होगा, तो फ्रेंड्स ऐसी कोई डायग्राम नहीं है, यानी कि ये फॉल्स है। नो सी इज बी, सी और बी का भी नो का रिलेशन नहीं है, ये भी फॉल्स। नो ए इज सी, ए सी का ऑल का रिलेशन है, नो का नहीं है, यानी कि ये भी फॉल्स। नेक्स्ट है सम इज नॉट बी, फ्रेंड्स सम इज नॉट बी ऐसे बनेगी जहां तो पूरा ए बी नहीं होगा ऐसी डायग्राम में, या फिर सम ए बी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स इन दोनों डायग्रामों में ऐसी कोई डायग्राम जहां पे नहीं है तो ये आपका फॉल्स है। सम सी इज नॉट बी भी फॉल्स होगा और लास्ट भी फॉल्स होगा। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, इसमें बोला गया है सम ए इज बी, कुछ ए बी है, सम बी इज सी और कुछ बी सी है। सम मान लेते हैं ये हमारा ए है, अगर सम ए इज बी है, नेक्स्ट बोले सम बी इज सी, कुछ बी सी है। अब फ्रेंड्स पूछे ऑल ए इज बी, पूरी ए बी है, फ्रेंड्स थोड़ी ए बी है बट पूरी नहीं है, यानी कि ये होगा फॉल्स। ये वाला पोर्शन ए का बी में है, बाकी ए बी में नहीं है। नेक्स्ट है ऑल सी इज बी, सी इज बी का भी सम का रिलेशन है, ऑल का नहीं है, यानी कि ये भी फॉल्स। अब ऑल ए इज सी, फ्रेंड्स जहां पे देखिए ए और सी के गोले में आपस में कोई भी संबंध नहीं है तो जिनका कोई भी रिलेशन नहीं होगा वो डायरेक्ट फॉल्स हो जाएगा इन सिंपल केस। पॉसिबिलिटी केस में फ्रेंड्स कुछ और उल्टा होता है। सम ए इज बी, इसमें है सम ए इज बी,
कुछ ए बी है, तो फ्रेंड्स कुछ ए बी है, सम ए इज बी, मैंने डेफिनेटली ट्रू कंक्लूजन बताए थे सम ए इज बी के क्या क्या बनते हैं। तो फ्रेंड्स सेम स्टेटमेंट सेम कंक्लूजन राइट। नेक्स्ट है सम सी इज बी, कुछ सी बी है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन सी का बी में भी है ट्रू। सम इज सी, ए और सी का फ्रेंड्स आपस में कोई रिलेशन नहीं है, जब कोई रिलेशन नहीं होगा तो फिर सम का या आल का या नो का कोई रिलेशन नहीं बन सकता, यानी कि ये आपका फॉल्स होगा। नेक्स्ट है नो इज बी, फ्रेंड्स मैंने अभी आपको बताया कि नो का रिलेशन इस तरह से होता है, इस तरह से कोई रिलेशन नहीं है तो नो के तीनों रिलेशन यहां से फॉल्स है। अब है सम इज नॉट बी, तो सम इज नॉट बी का जहां फिर नो का रिलेशन होना चाहिए या फिर सम वाला होना चाहिए। मानो कि ये दोनों डायग्राम में से कोई भी डायग्राम वहां पे मौजूद नहीं है, तो यानी कि ये भी आपके सीधे सीधे फॉल्स हो गए। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं,